विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में कोई योजना बंद नहीं की जाएगी। इसी के साथ सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान कृष्ण के पांव पड़े हैं उन सभी स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। जिस देश में सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में जाते हैं, जहां पूरा देश राममय हो और जहां 600 साल के बाद भगवान राम को अपने मंदिर में विराजने का मौका मिला हो, अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा में और भारत में भगवान राम का नाम नहीं लिया जाएगा तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये उम्मीद हम करेंगे। हमारी शुरुआत ही सुबह ही राम के नाम के साथ होती है और इसीलिए उन्होंने सारे किए गए कार्यों के साथ में पिछली सरकार ने भी क्या राम पद गमन के बारे में विचार नहीं किया, क्या उस पर काम प्रारंभ नहीं किया, क्या कमलनाथ जी की सरकार स्वयं राम पद गमन की बात नहीं कर रही थी। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगवान राम की अगर बात की है, भगवान कृष्ण की अगर बात की है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। दिशा और निर्देश के अनुसार भारत की सनातन सभ्यता संस्कृति और भारत का हित हो, मध्य प्रदेश का हित हो, अंत्योदय हो, एकात्म मानववाद के अनुसार समाज का सर्वांगीण विकास हो, इस दृष्टि से रीति नीति पर चल रहे हैं। उनका भाषण भारत की संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने विक्रमादित्य के गौरवशाली गान को गाया है, मैं उनकी भारी भारी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ।